आज के बाद एक व्यक्ति भी, और ये भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, एक तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो वो कई कई पीढ़ियों तक उनको याद रखना पड़ेगा। एक जुलाई को रात 9 बजे के कार्यक्रम में एक चैनल ने हमारे नेता श्री राहुल गांधी से संबंधित एक वीडियो प्रसारित किया था, और फिर उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी साझा किया। वास्तविक वीडियो में श्री राहुल गांधी अपने वायनाड कार्यक्रम में SFI द्वारा की गई हिंसा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनके बयान को इस चैनल ने बड़े शातिराना ढंग से काट छाट कर उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की नृशंस हत्या से जोड़कर दिखाया। जब यह वीडियो प्रसारित हुआ तो हमारे कुछ साथियों ने, मैंने खुद ने, हम सब ने सोशल मीडिया पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, रात ही को करवाई। हमने यह बताया कि वीडियो भ्रामक है और इसे गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी उस चैनल ने माफी तो मांग ली, लेकिन भाजपा के नेता अभी भी राहुल जी की छवि खराब करने के लिए उस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, अभी भी वो वीडियो मौजूद है। सर्कुलेट करने वालों में प्रमुख हैं, विडंबना की बात है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हुए हैं राज्यवर्धन राठौड़ जी, और अन्य नेता भी हैं। यह स्पष्ट होने के बाद भी कि यह वीडियो भ्रामक है, भाजपा के सांसद, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री, मैं दोहराऊंगा उनका ये पद, भले पूर्व है, बड़े अभूतपूर्व व्यक्ति हैं, भूतपूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री होने के बावजूद, यह जानकारी होने के बावजूद कि यह भ्रामक वीडियो है, डॉक्टर्ड है, गलत है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको बड़ी बेशर्मी से अपलोड किया। और यह पहला मौका नहीं है साथियों कि राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई वीडियो सर्कुलेट किए हैं, तथ्यों को छेड़छाड़ कर, डॉक्टर करके। आपको तो याद है आलू से सोना, ये किसके शब्द थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे, राहुल गांधी दोहरा रहे थे गुजरात की एक रैली में। बड़े सुनियोजित तरीके से ये जो 18-18 घंटे जागते हैं ना, यही काम करने के लिए जागते हैं। डॉक्टर कैसे करना है, विपक्ष के भाषणों को कैसे ट्विस्ट करना है, छेड़ना है, तोड़ मरोड़ के पेश करना है, ये 18 घंटे जो जागकर काम करते हैं उनसे इस देश को अब सावधान रहना होगा। अब मैंने आज एक ट्वीट किया था कि गुड न्यूज ऑफ द डे का एक प्रेस वार्ता है, तो गुड न्यूज यह है साथियों कि एक FIR दर्ज हुई है जयपुर राजस्थान में इस डॉक्टर्ड वीडियो के खिलाफ, जिसमें हमारे नेता श्री राहुल गांधी को एक उनकी एक छवि को धूमिल करने की साजिश रची गई थी। वो जो एंकर थे, माफी तो मांगी उन्होंने, जब वीडियो हटाया उसके बाद भी जो उनको बधाई संदेश ट्विटर पे आ रहे थे कि साहब आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, उसको लाइक करे जा रहे थे। एक तरफ तो वीडियो हटा दिया, दूसरी तरफ अपनी बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं कि जो आपने झूठ परोसा था, बधाई हो आपको, अरे बहुत खुश हो रहे हैं, बार बार उसको लाइक कर रहे हैं। परसों रात को ही उनकी गलती उन्होंने स्वीकार कर ली, उसके पश्चात भी बधाई स्वीकार करते रहे लोगों से, और लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं ना जुगलबंदी चल रही हो, कि मैंने कुछ घंटों के लिए कुछ झूठ परोस दिया, आप सबने उस झूठ को आगे और प्रसारित कर दिया, फिर मैंने अपना वो झूठ हटा दिया ताकि मैं कानूनी कार्रवाई से बच जाऊं। यह बात पहले भी हो चुकी है, 3-4 बार यह चैनल और एक आध चैनल और भी
हमने उनको कानूनी नोटिस दिया, कार्रवाई की धमकी दी, तो फोन करके कहते हैं साहब गलती से हो गया, हटा देते हैं। लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। देखिए साहब, आपके माध्यम से मैं पूरे देश के मीडिया को भी और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को, मीडिया से हमारी क्या दुश्मनी, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, बस शर्त यह है कि काम करते रहिए अपना। और आपका काम क्या है मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी औकात नहीं है, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। लेकिन इतना सबको समझ लेना चाहिए कि ये जो शराफत है ना, ये हमारा गहना है, बेड़ियां नहीं है। आप ये मान के चल लें, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल ले दैट आर डिसेंसी इज आर शैकल, नो आई एम सॉरी, दिस इज आर ऑर्नामेंट, हम चुप नहीं रहेंगे। आज के बाद एक व्यक्ति भी, और ये भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, एक तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो वो कई कई पीढ़ियों तक उनको याद रखना पड़ेगा। ये चेतावनी मान ले भारतीय जनता पार्टी तो उचित रहेगा। जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है, वह भी आज सुन लें, बैठे होंगे हैदराबाद में, वह भी ध्यान से सुन लें, देखते रहें हमारी कार्रवाई, आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर तक सबको याद रखा जाए।